और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ये साल का आखिरी दिन है लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कल शाम से पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। कल शाम से सीजफायर तोड़कर पाकिस्तान भारत के सैन्य और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। कुपवाड़ा के कई इलाकों में पाकिस्तानी गोलीबारी कल शाम से लगातार जारी है। उकसावे के लिए किए जा रहे गोलीबारी का भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये तस्वीरें आप देर रात की देख रहे हैं जिसमें आपको गोले दागते हुए पाकिस्तान की तरफ की तस्वीरें दिख रही हैं। लगातार हल्के और भारी हथियारों से पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है। आपको आवाज़ सुनवाते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करके गोले दाग रहा है। और इस वक्त हमारे साथ आसिफ कुरैशी जुड़ रहे हैं। आसिफ, एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक जो साजिश है वो सामने आ रही है, क्या ताज़ा अपडेट है? इसका देखिए, कई घंटों तक कल शाम को ये गोलीबारी होती रही और तकरीबन मध्य रात्रि के आसपास ये रुक गई। लेकिन इस गोलीबारी में 5 मकान और 1 मस्जिद को क्षति पहुंची है। गनीमत ये रही कि यहाँ पे कोई जान नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय सेना की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और जो रात तकरीबन 6 घंटे तक गोलीबारी होती रही उसमें खास तौर पर 3 गांव जिनका नाम टाट, हाजितरा और गाबरा है, यहाँ पे काफी ज्यादा भीषण गोलीबारी होती रही और यहीं पे इन मकानों को नुकसान पहुंचा है। अभी फिलहाल स्थिति यह है कि अभी गोलीबारी नहीं हो रही है लेकिन लोगों को आशंका है कि सुबह पहली रोशनी के साथ ही एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हो सकती है। जी आसिफ, आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिए खबर पर और जो ताजा अपडेट होगा वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।